वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज हलका के विभिन्न गांव में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन अवसरों पर ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग खुद इस बात का आकलन करें कि पिछले 45-50 साल के मुकाबले वर्तमान सरकार के 4 साल के दौरान हलके ने कितनी तरक्की की है। हलके ने विकास की गति का जो ट्रेलर इन 4 सालों में देखा है, उसकी पूरी फिल्म देखने तथा हलके की ताकत को बढ़ाने के लिए इलाके के लोग मेरा साथ दें। इस दौरान विभिन्न गांव में पहुंचने पर ग्रामीण वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एक डूबी हुई नाव का सहारा ले रही है। रामकुमार गौतम का दुष्यंत चौटाला को समर्थन करना इसका जीता जागता उदाहरण है। इसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो और यही सोच को लेकर के पिछले 4 साल से हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत की है, हम हरियाणा प्रदेश में उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में 4.5 साल से एक पिछड़े वर्ग की मां की कोख में पैदा हुए, कोई किसान सम्मेलन कर लिया, कोई मजदूर सम्मेलन कर लिया, सरकार ने वो भी करा नहीं करा, लेकिन हमने कहा कि हम हर वर्ग को एहसास कराएंगे, हर वर्ग को महसूस कराएंगे कि सरकार आपकी है। विश्वकर्मा का सम्मेलन किया जाए, भगवान परशुराम का सबका सम्मेलन किया जाए। इसीलिए यहां तक कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स थी, केश कला बोर्ड ही नहीं, जो DNT जिसको बोलते हैं, जिसमें ओड आ गए, जिसमें बौरी आ गए, सासी भाई आ गए, चलो पता नहीं। आज नारनो हल्के के अंदर अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत गांव बास में कई लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। वहीं जामनी खेड़ा से खांडा खेड़ी तक का रोड उसके आज शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ यहां गांव सुलचानी में सुलचानी से खांडा रोड तक का ये लगभग 1 किलोमीटर का सड़क इसके आज शुभारंभ करने का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में कुछ सामाजिक कार्यक्रम में नारनोंद में और अन्य गांव में आज जाने का कार्यक्रम है। जिस प्रकार से नारनोंद विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं, क्षेत्र की 36 बिरादरी की जनता ने जो विकास की झांकी को देखा है और उसमें इस बात की अपार खुशी है कि अब नारनोंद के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क हो, सिंचाई की पानी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में आज नारनोंद आगे बढ़ रहा है और हमें बहुत जन समर्थन मिल रहा है और नए लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आने को लालायित हैं। जिस प्रकार से आज विपक्ष बिखरा हुआ है, नारनोंद के लोगों को ये पूरा भरोसा है कि अगले साल 2019 में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनना निश्चित है, निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार नारनोंद से होकर के गुजरेगी। कल रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने पंजाब में घोषणा की थी, कृपया करके वो बता दें कि पंजाब में उन्होंने क्या किया। 10 साल हरियाणा को लूटते रहे, तब उनको किसान याद नहीं आया, गरीब याद नहीं आया, कमजोर याद नहीं आया, दलित याद नहीं आया, पिछड़ा याद नहीं आया, वंचित और शोषित वर्ग का कल्याण तब उनको ध्यान में नहीं आया। इनकी अकल भी ठिकाने जब आती है जब ये विपक्ष में जाते हैं। उनके पाप की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, शिकंजा कसता जा रहा है और अंततः गतवा पाप का घड़ा फूटना ही होता है। अपने कर्मों की सजा सबको भुगतनी पड़ती है। कोई चोरी चकारी करके इधर उधर करके हो सकता है कि अदालत या इधर उधर वो अपनी बात को बेशक कर ले, लेकिन मैं मानता हूँ कि परमात्मा का भी अपना न्याय होता है। और जिन्होंने हरियाणा को 10 साल लूटा, हरियाणा प्रदेश के किसानों को लूटा, हरियाणा के भाईचारे को बर्बाद करने का काम जिन्होंने किया, परिवारवाद का तांडव किया, इलाकावाद का खेल रचा, ऐसे लोगों को हरियाणा स्वीकार करने वाला नहीं। अब जिस प्रकार से आज विपक्ष खंडित है,
तो ये सब लोग कहीं ना कहीं आज इंडियन नेशनल लोकदल के जो तथाकथित अलग अलग विघटन करके जो नेता घूम रहे हैं, इनकी अपनी खुद की सीट को खतरे में दिखाई देती है। एक डूबती हुई नाव दूसरे डूबती हुई नाव से सहारा मांग रही है।